हमारा मुकाबला जो है जितेंद्र सिंह के साथ, हम चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट हारे, हम उसको हराएं, उस बंदे को जिसके बारे में वो गाली गलौज देते थे, उसको कहते थे अरेस्ट करो, आज वो अपने कंधों पे उठा के किश्तवाड़ के लोगों को जलीलोख्वार करना चाहते हैं। लिहाजा इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे और एनसी वालों को ये भुगतना पड़ेगा, खास करके सजाद साहब को भुगतना पड़ेगा। सियासत जो है वो गरमाई हुई है और तमाम लीडर का फोकस जो है वो अब चिनाब वैली की तरफ आया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दौरा किया, किश्तवाड़ का दौरा किया, डोडा का किया, उसके बाद चौधरी लाल सिंह भी जो है वो यहाँ पर कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें डीपीएपी की, वो भी जो है यहाँ पर इलेक्शन में जो है दूर दराज इलाकों में जो है वो कैंपेनिंग में जो है वो जारी है। हमारे साथ गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी साहब है, सबका मिनिस्टर है, आरएनबी मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं, अब जो है वो किस्मत आजमा रहे हैं पार्लियामेंट सीट के लिए और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको वोट दें। हम सुरूड़ी साहब से पूछेंगे कि लोग आपको क्यों वोट दें और आपका एजेंडा जो है वो क्या है। सुरूड़ी साहब, आप जो है वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, बताया जा रहा है कि जो ट्राइंगुलर फाइट जो है इस बार होगी आपकी, कांग्रेस की और बीजेपी की, तो आप किन मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोग क्यों आपको वोट देंगे? देखिए, जिससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि ट्राइंगल इस वक्त आपस में जो कंटेस्ट है, ये ट्राइंगल नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसको ट्राइंगल, क्योंकि चौधरी लाल सिंह का तो कोई मुकाबला ही नहीं इसमें। चौधरी लाल सिंह 2014 में इलेक्शन लड़ा था, उसने 16,000 वोट लिए थे। आज 16 जोड़े 32,000 लिएगा तो उसके साथ कोई, हमारा मुकाबला जो है जितेंद्र सिंह के साथ, हम चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट हारे, हम उसको हराएं। जहां आपको मालूम है कि आजाद साहब टोटल 31,000 वोट कम हुए थे, 60,000 की जगह 31,000 होते, वो जीत गए होते, मगर उस वक्त हमारे यहाँ 49% टोटल वोट जो है कास्ट हुआ था और 80% वगैरह बाकी जगहों में जहाँ से बिल्कुल कम वोट आए उनको। और उस वक्त बारिश पड़ गई 2 बजे से 5 बजे तक, उसकी वजह से वो सारा खुदा को मंजूर नहीं था, ऐसा हुआ। बाकी रही बात चौधरी लाल सिंह, वो दागदार इंसान है, उसके साथ हमारा कोई वास्ता है नहीं है। वो उसने उस लड़की का देखो क्या हालत की उसने, उसके बारे में क्या उसने कितने प्रोटेस्ट किए और कातिलों का साथ दिया उसने, वो अयां है, पूरी पिक्चर है उसमें। वो रुबला साहब कह रहे थे इसको जेल भरो, तो आज वही कह रहे हैं वोट दे दो। मैं, मुझे नहीं मत, ये उनकी कुर्सी की लेने की कौन सी सियासत है। और यहाँ के एनसी वाले भी आज उसको एक उस बंदे को जिसके बारे में वो गाली गलौज देते थे, उसको कहते थे अरेस्ट करो, आज वो अपने कंधों पे उठा के किश्तवाड़ के लोगों को जलीलोख्वार करना चाहते हैं। लिहाजा इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे और एनसी वालों को ये भुगतना पड़ेगा, खास करके सजाद साहब को भुगतना पड़ेगा। फिर भाई बात आई कि आप किन मुद्दों पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि लोग क्यों आपको वोट देंगे। देखिए, जहाँ पे ताल्लुक है कि सबसे पहले हमारे डीपीएपी का चेयरमैन जो है गुलाम नबी आजाद साहब, जो उन्होंने अपने मिनिस्ट्री में किया, हेल्थ मिनिस्टर थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ बाकी एनटीपीएससी दी, यहाँ पे उन्होंने हेल्थ सेंटर दिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अस्पतालों में किया, हर डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल को अपग्रेड किया और पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में लेह लद्दाख तक। और उसके साथ जो 2.5 साल उनके चीफ मिनिस्टर का दौर था, जिसमें उन्हें कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियाँ दिए, स्कूल दिए, डिस्ट्रिक्ट आर्ट दिए, 4 जम्मू को 4 कश्मीर को, ट्यूलिप बनाया, हज हाउस बनाया, यात्री भवन बनाया, हमारी रोडें दी, और रोडों का पूरी हिंदुस्तान में किसी भी रियासत को कंपनसेशन नहीं मिला। हमारी रियासत के लोगों को पीएमजीएसवाई रोडों का 1300 करोड़ रुपये उसने कंपनसेशन दिया। और इसके अलावा ये जो म्यूनसिपल कमेटी को अपग्रेड किया, यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, किश्तवाड़ की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई, भद्रवाह की उन्होंने बनाई। और इसके साथ साथ जो नौजवानों को उन्होंने रोजगार उस वक्त दिया था, जो रोशनी का एक्ट उन्होंने लाया था, जो इस सरकार ने, बदनामा सरकार ने खत्म कर दिया, जो सरकारी जमीन खालसा सरकार था वो इन लोगों को से छीनी गई। आजाद साहब ने प्रोटेस्ट किया, हमारी पार्टी ने 85 जगह प्रोटेस्ट किया और वो मोहम्मद के पास गए और उनको बचाव हो गया, वो बच गए। इस वजह से इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोग चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। लाल सिंह 10 साल रात क्या दिया,
आप मुझे किश्तवाड़ में या चनाब वैली में बताइए कहीं एक ईंट भी लगी। चाहे जो जितेंद्र सिंह जी लड़े तो बताइए 10 साल में से कौन सा काम किया, एक काम उनका दिखाइए। यहाँ कुछ विलेज उससे गोद में लिए थे, उन विलेजों की हालत आज देखो कैसी है। आज यहाँ पानी की हालत देखो, किश्तवाड़ में उस वक्त यहाँ पे कहा गया था कि किश्तवाड़ में जो पानी आएगा पता नहीं कितने लोग उसमें गर्क हो जाएंगे, कितने लोग उसमें बह जाएंगे। वो पानी गया कहाँ? हमने कहा था यहाँ आप किश्तवाड़ में टनल बनाओ जो कि 15 मेगावाट ये जो हमारा ये जो वो बनाइए आप नयगढ़ वाला, और उससे तो 15 मेगावाट बिजली तैयार होगी और किश्तवाड़ पूरा सैराब होगा। आपका यहाँ सैफरान उझल रहा है, कोई इससे कंपनसेशन नहीं, कोई इसका रिलीफ नहीं दे रहा है। उसके बाद हमने कहा था जो 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 मेडिकल कॉलेज है, अगर आजाद साहब ने 5 मेडिकल कॉलेज दिए, उनने डेढ़ डोडा को दिया, पहले ओल्ड डिस्ट्रिक्ट को उनके। अच्छा अगर इन्होंने दिया, इन्होंने उधमपुर दिया जहाँ नारायणा भी है और जहाँ पे 5-15-40 मिनट के बाद जम्मू दूसरा है, वहाँ आर्मी हॉस्पिटल भी है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है। इस यहाँ मड़वा वर्वन दक्षण पाटर बल्कि हिमाचल के लोग यहाँ आते हैं। क्या मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं चाहिए था? क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। हमारे स्कूलों में आज टीचर नहीं है, हमारे अस्पतालों हॉस्पिटल्स में आज डॉक्टर नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आज लेक्चरर नहीं, हमारे स्कूलों की तामीर आज हो नहीं रही है। हमारे कोई भी स्कूल 10 सालों में अपग्रेड नहीं हुआ। हमारे कई इलाके बोंजवा कला का कारा कला का जहाँ डिमांड थी हमें कॉलेज दिया जाए, नहीं दिया सरकार ने। आज देखिए हमारे नौजवान ड्रग्स खा रहे हैं। क्यों ड्रग्स खा रहे हैं? क्योंकि बाहर के आते हैं, वो यहाँ नौकरी करते हैं, हमारे लड़के उनसे कंपटीशन में नहीं उतर रहे हैं और यहाँ की तमाम नौकरी जो है वो बाहर के महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा कर्नाटक वो लोग खाते हैं हमारी नौकरी भी, और तब हमारे बच्चे आज ड्रग्स में मुलव्वसे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और हमारा सिस्टम देखते हुए जो हमने लोगों को प्यार दिया मोहब्बत दिया, नेशनल हाईवे बनवाई, सिंहपुरा वायलू टनल, सुदमादेव वायलू टनल, उसका हमने काम शुरू करवाया। अभी उसकी डिले है, किसी वजह से वो फॉरेन कंट्री का एक पार्टनर उनको है, जो ही वो क्लियर हो जाएगा तो वो सारा काम हल हो सकता है। मगर जहाँ भी ताल्लुक है कि जितने काम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बुरसर पकड़ करते किरो, आज लोगों को वहाँ इनकी चिट्ठी पे लगा, सिर्फ बीजेपी वाले लग रहे हैं वहाँ, हमारा कोई नहीं लग रहा। वो तमाम चीजों को देखते हुए लोग चाहते हैं हम बदलाव लाएं, क्योंकि दोनों एमपीज को देखा हुआ 10-10 साल। अब बदलाव के लिए गुलाम अहमद सरूरी है, गुलाम नबी आजाद है, तब जाके लोग चाहते हैं कि आपको हम जिताएंगे, आपको हम दे बगैर मजहब मिलत हम आपको वोट देंगे। लाल सिंह साहब ने कहा हमें कि नरेगा जो है उन्होंने लाया, PMGSY में 1000 क्राइटेरिया था, उनके इन्फ्लुएंस से जो है वो 500 हो गया। तो आप आरएनबी मिनिस्टर रह चुके हैं, तो क्या आपने उसमें कुछ काम किया या कि आप सिर्फ मिनिस्ट्री पे ही बैठे रहे? आपको मालूम है मेरे दौर में 1286 रोडें बनी और फेज 5, फेज 6, फेज 7 जो सबसे बड़े फेज थे, एक ही फेज का 87,000 करोड़ जो था वो मैंने लाया जम्मू कश्मीर में। 1300 करोड़ मेरे दौर में लोगों को कंपनसेशन मिला। तो बताइए हमने नहीं किया और किसने किया? जो हमने किया उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। ये 10 साल तो जीरो के बराबर, लाल सिंह को तो पता ही नहीं। लाल सिंह ने जो 10 साल गुजारे उसमें तो उसने कुछ किया नहीं। आप बताओ रेलवे कश्मीर की तरफ जा रही है, रेलवे कश्मीर में जगह जगह लिंक्स बन रहे हैं, क्या संगलदान से किश्तवाड़ रेलवे नहीं आ सकती? क्या उसने पार्लियामेंट में कोई बात उठाई? क्या ये प्रोजेक्ट में बिजली लोगों को 5 किलोमीटर फ्री मिल रही थी, क्या उसने कोई बात उठाई? क्या यहाँ मेडिकल कॉलेज की कोई बात उठाई? क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई बात उठाई? क्या यहाँ के लिंक्स रोड जो बकाया है, जो 200+ लोग जो रहते हैं एज पर ये जो 2011 सेंसस, क्या उन्होंने कुछ काम किया? क्या उनको उन रोडों को उसने इस खाते में लाया? कहीं कोई सेंक्शन दी? कोई DPR लाई? कुछ नहीं किया, जीरो। जानता है उसको, वो बोलते नरेगा मैंने लाया। नरेगा आज जहाँ मेरे दौर में जो आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर आए उस वक्त उन्होंने पहले उसको दिमागी कसर है। जो आजाद साहब जब आए उन्होंने 2008 में जब चीफ मिनिस्टर बने पहला शुरुआत उन्होंने डोडा से नरेगा में की, वो भी आज मेरे पास वीडियोग्राफी सब मौजूद है, और फिर उसके बाद पूरे किश्तवाड़ में दिया, फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में चालू। आज तो नरेगा के लोगों को 20 दिन मिलते हैं, हमारे दौर में 100 दिन मिलता था। आज सुबह भी हाजिरी मुठा लगाना है बायोमेट्रिक, शाम को भी मेट्रिक बायोमेट्रिक,
और औरतों के भी फोटो उठा के पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। ये शर्म की बात है, हया की बात है। आप कैसे आज देख रहे हो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर आज लाल सिंह का इतना बड़ा जलसा हुआ, उसको कैसे आप देखते हैं? इसमें आप तो बोल रहे हैं कि मुकाबला ही नहीं है उनसे, ये जलसा हो रहा है। मैं ये कहूँगा आज बाजार में जो देखा गया 70 लोग यहाँ की रैली में थे, उसके बाद वहाँ 250 लोग जो जमा थे वो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कांग्रेस वाला तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो कांग्रेस को तो आप चावल साफ करके ले गए ना? नहीं, चलो दिखाई नहीं दिया वहाँ पे। वो चावल में वो कन्हे जो होते हैं बस वही देखने में आया, 2-3-4 लोग वो कांग्रेस वाले थे। शेख साहब मगर, मगर ये बात ये है कि जो नेशनल वाले कहते थे इस लाल सिंह को अंदर करो, इसको जेल भरो, वो वीडियो भी वायरल होगी कि उमर साहब कहते हैं इसको जेल भरो, इसने ये बदकारी की, इसने एक गलत काम किया, इसने देखो कातिलों को साथ दिया, लिहाजा इसको अंदर जेल में डाल दो। और आज वही किस मुंह से कहते हैं और किस मुंह से किश्तवाड़ वालों को जलील करके उसको कांधे पे चढ़ा के अपने साथ लिया, लिहाजा इसका जवाब इनको देना पड़ेगा और इसका काफी बुरा असर निकलेगा। सुनील शर्मा कहता है कि जो हमारे बीजेपी के जो अपोनेंट्स है ना, उनकी वल्दियत है ना उनका कोई पता है, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? सुनील शर्मा साहब पता नहीं किन ख्वाब गफलत में पड़े हुए, एक्सीडेंटल वो निकल गए एक बार तो फिर खुदा ही आप जैसे आगे उसका। तो क्या आप समझते हैं कि उसकी साख खत्म हो चुकी है? मेरे ख्याल में वो तो कश्मीर में होते, यहाँ तो कुछ भी नहीं उसका। अब आजाद साहब की तरफ भी थोड़ा सा हम बढ़े, डीपीएपी को शक की नजर से देखा जा रहा है, आपको भी ये बी टीम सी टीम कह रहा है, कोई ए कह रहा है। अब आजाद साहब का जो है वो पीर पंचाल और अनंतनाग सीट पे इलेक्शन लड़ना, क्या वो आजाद साहब अपनी नेटिव सीट से इलेक्शन नहीं लड़ सकते? तो इसमें क्या सियासत? आजाद साहब खसूसी तौर पे बिजबाड़ा के रहने वाले हैं, उनको बाबू अजदाद जो है वो बिजबाड़ा के रहने वाले हैं, अनंतनाग के रहने वाले हैं, अभी भी उनके रिश्तेदार वहां पे मौजूद हैं, आना जाना उनका बरकरार है और उनकी शादी भी कश्मीर में हुई है, दो चीजें। तीसरा, जब उन्होंने पूरा टूर किया, टूर करने के बाद मालूम हुआ पीर पंजाल के लोगों ने भी और कश्मीर के लोगों ने भी चाहत की कि गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ से कंटेस्ट करे हमारा। आपने देखा कहीं रेडियो टीवी पे भी आया था कि इतने लाखों लोग आजाद साहब के जलसे में क्यों आए, वो इसलिए उनको टेस्ट कर रहे थे कि आजाद साहब आप यहाँ से इलेक्शन लड़ो, हम आपको जिताएंगे। तो यहाँ भी उनका अपना एक नुमाइंदा, एक सिपाही जेम सरूली खड़ा था, उसको मैंडेट दिया, उधर से मैं वाइस चेयरमैन था, मुझे यहाँ से मिला, उनको वहाँ से मिला, तो हम इंशाल्लाह दोनों सीटें जीत जाएंगे अल्लाह के फजल। जो कश्मीर में आप अलायंस करने जा रहे हैं हमारा कोई जो खबरें तो आ रही है, उन्होंने चाहत जाहिर की थी, अगर कोई चाहत जाहिर करे या महबूबा मुफ्ती बीजेपी में जाके आरएसएस को गोद में बिठा के वो पीएचईडी का मेंबर बनी और उसके बाद उनके अमर साहब और फारूक साहब के दाएं बाएं बैठती रही। ये जो सजाद लोन साहब है वो बीजेपी का मिनिस्टर, वो जब पीएचईडी बनी तो सजाद साहब लोन तो उमर साहब और फारूक साहब के दाएं बाएं और उसको सपोर्ट पर्सन, फिर वो बीजेपी वाले नहीं हो गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उमर साहब तो आ रहे, आप पूरा सुनिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उमर साहब तो मिनिस्टर थे बीजेपी के, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो उमर साहब और शरीफुद्दीन शारिक ने वोट दिए, जब शोर साहब को निकाल दिया पार्टी से, अब एटी वो है कि हम है, हमें कोई वास्ता लेन देन न बीजेपी के साथ है न अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी के साथ है, हमारा किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है, हम अकेले हैं और हम दम से लड़ेंगे। और तमाम लोगों की चाहत है कि जो गोल्डन पीरियड गुलाम नबी आजाद साहब का 2.5 साल का था, हम चाहत करते हैं कि दोबारा वो वापस आए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें तो सबसे पहली डिमांड जो है वो स्टेट होल्ड रिस्टोरेशन की बात की है। जरूर, तो कैसे देख रहे हैं इसको? मैं कहूंगा विकास नाली विपरीत बुद्धि, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। उसका मतलब ये है गुलाम नबी आजाद साहब ने जब पार्लियामेंट में स्पीच की, उन्होंने होम मिनिस्टर को मनवाया, एक स्पीच वहां हुई जो गुलाम नबी आजाद साहब की हुई, क्या किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई? दो बंदे पीछे बैठे हुए थे, तभी आज उनके लाइसेंस उन्होंने कैंसिल कर दी, तभी नहीं उनको दोबारा मैंडेट दे दिया कि ये फेल हो गए पार्लियामेंट में, उन्होंने इकरारन बिल एहसान व तस्दीक बिल कलब कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं बोला वहां, एक गुलाम नबी आजाद साहब बोला और उसके बाद उसके जवाब में होम मिनिस्टर ने बोला कि हम स्टेट रूल वापस देंगे माकूल वक्त में। मगर आजाद साहब का जो पीछे बयान है उसने कहा हमें तमिलनाडु, हमें पांडिचेरी और दिल्ली का
वो स्टेटहुड नहीं चाहिए, हमें कश्मीर का वो पुराना स्टेटहुड चाहिए ताकि मुकम्मल जम्मू कश्मीर की वो स्टेट दोबारा जैसी थी वैसी वापस आए। तो आप लोगों से क्या बोलेंगे, खासतौर पर जो कश्मीर के लोग हैं और यहाँ चिनाब बेल्ट के लोग हैं, क्योंकि आपकी सियासत को जो है ये लोग बता रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर जो है वो बैकिंग कर रहे हैं वोट्स के लिए, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी पर, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या बाकी आप जो है वो एक मुस्लिम कैंडिडेट है या कि ओवरऑल जो एक सोशल फैब्रिक्स के अक्रॉस जो कैंडिडेट है वो है? देखिए बात ऐसे, हमारा लीडर जो है उसने कोई भी तमीज या कोई भी ऐसी फिरका परस्ती बदनाम ये जो कम्युनल बेसिस पे ना हम मजहब की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं तामीर तरक्की की डेवलपमेंट पे, और इस डेवलपमेंट के नाम पे गुलाम नबी आज़ाद साहब मशहूर और मारूफ है, वो विजन है उनके पास हर चीज़ का जो उन्हें ढाई साल कश्मीर में दिखा के लिए। अब बात यह है कि हम जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे लड़ने जाए, हमें कोई वास्ता ही नहीं है कि हम, क्योंकि हम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन सब के साथ बराबर शुरू किया, और मैंने भी अपने वक्त में जब मैं आरएनबी मिनिस्टर था किश्तवाड़ के किसी बंदे को पूछो कि क्या हमने किसी को काम किया, हर हिंदू मुस्लिम ठेकेदार काम, आज तो पिक एंड चूज होता है। आज हम चाहते हैं बगैर मजहब मिलकर तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्ध जैन हमको वोट करें, क्योंकि हमें हम मजहब के बुनियाद पे वोट नहीं लेना चाहते, हम खाली मुस्लिम वोट नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं भी हिंदू भी मुस्लिम भी सिख भी ईसाई भी सब वोट दें, हम डेवलपमेंट करके देंगे, हम रोजगार देंगे, हमारा मंशूर जो है स्टेटहुड वापस लाना, हमारा मंशूर जो है गरीबों को बिजली वापस मुफ्त में देना, हमारा मंशूर है 62,000 नौजवानों को परमानेंट करना, हमारा मंशूर है VDC के जो SPOs है उनको परमानेंट करना, हमारा मंशूर है कि ये जो बाहर के नौजवानों को यहाँ नौकरी नहीं मिलनी चाहे, यहाँ के लोकल नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहे, उसको बंदिश करनी चाहे, उसके साथ हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन शुरू हो जाए, उसको डेवलप किया जाए, और हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाल जम्मू कश्मीर बने, गुड गवर्नेंस हम देना चाहते हैं, ये हमारा मकसद और मुद्दा है, और गरीब लोग जो आज नरेगा पे हैं हम चाहते हैं 100 दिन देना, और हमारा मकसद है कि जो सबका पुराना 50 किलो राशन जो था जो आज 5 किलो देते हैं 50 किलो राशन को फिर से बरकरार दिया जाए, और बिजली पानी जो है वो मुहैया होनी चाहिए 24 घंटे, ये हमारा मकसद है। आपके पार्टी के लीडर्स आजकल एजुकेशन का मसला उठा रहे हैं जो खासतौर पर बच्चों के एग्जाम को लेकर है, आपने पहले भी इस पे जो बात की है? देखिए मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था मैंने ही नवंबर में ये सेशन किया था, क्योंकि हमारे लड़के 3-4 महीने वर्ग दरबदर रहते हैं, जून तक इनको कोई पढ़ाई करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, इस सरकार जो भी ऑर्डर करती है बगैर सोचे समझे, क्यों बाहर से बाबू लाए हैं वो यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं और वो यहाँ पे जो ऑर्डर करते हैं उनको पता नहीं जमीनी सतह क्या, अगर मड़वा है वड़वा ने अभी भी एग्जाम नहीं हुआ, वो बच्चे जून जुलाई में क्या करेंगे, सर्दी के 2 महीने भी जाये हो गए, लिहाजा इसको फिर दोबारा नवम्बर में करना चाहिए, हमारी सरकार आई हम इसको दोबारा नवंबर में करेंगे, और हमारी सरकार आई हम जो ओल्ड पेंशन मुलाजमों की है उसको भी बरकरार करेंगे। क्या इलेक्शंस होंगे असेंबली के? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर दिए, तभी तो अगर एक चीज को माना गया दूसरा भी मानना पड़ेगा, उसमें कोई चारा नहीं है, 2-3 महीने में असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो बीजेपी के क्या चांसेस आप देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में? वो तो मैं नहीं कह सकता, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, ये लोग जो फैसला करेंगे वही होगा। तो आप लोगों से कुछ लोगों से गुजारिश करूंगा कि बगैर मजहब और मिलत ये आप पूरे इलाके को देखिए, आपको 75 साल के बाद यहाँ एक मैंडेट मिला है जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े सोच समझ करके दिया है, लिहाजा आप आजाद साहब की सपोर्ट करिए, गुलाम मोहम्मद सरूरी को जिताइए, और देखिए किश्तवाड़ की पूरे कुठवा की उधमपुर की डोडा की रामबन की और किश्तवाड़ की डेवलपमेंट में हम 4 लगाएंगे।
और हमारा निशान जो है 19 तारीख को बाल्टी का बटन दबाएंगे। ये मेरी अपील है यहाँ के हर फर्द बशर को, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ आजाद साहब की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि 19 तारीख को ये बाल्टी का बटन दबा के मुझे कामयाब करें, क्योंकि बाल्टी वो चीज है, ये बच्चा पैदा होता है उसको उस पानी से नहाते हैं, जब मरता है उसी बाल्टी में पानी लाकर उसको गुसल दिया जाता है, और उस जब गाय दूध देती है तो बाल्टी नीचे रखते हैं, जब भैंस दूध देती है गुजर हमारे बाल्टी नीचे रखते हैं, यह पूरी तरह चीज है, साफ शफाफ चीज है, और हर घर में ये बाल्टी जो है मौजूद है, ये बहुत आसान निशान है। लिहाजा बाल्टी का बटन 19 तारीख को दबाइए और आजाद साहब और जीएम सरोड़ी को कामयाब करें। शुक्रिया बहुत बहुत सरोड़ी साहब। सरोड़ी साहब का ये कहना है कि वो मजहब के बुनियाद पर जो है वो वोट नहीं मांग रहे और ना ही वो मजहब लीडर है, बल्कि उनका ये कहना है कि वो जो है वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम यानी कि सेकुलर लोगों से जो है वो वोट मांग रहे हैं जो बीजेपी को जो है वो हरा सके। यहाँ पर आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।